मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। उन्नाव क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा जिला है। जिले को अभी तक अनेक देशभक्त और हिंदी साहित्यकारों के नाम से जाना जाता है। उन्नाव के ही गंगा तट पर बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया का प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की। यही नहीं, इसी उन्नाव में लवकुश ने अपने पिता श्री राम जी की सेना को भी परास्त किया। साहित्य की इस नगरी में उन्नति के साथ साथ अपराध भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा। लालच, ताकत और पैसा मानो हर आदमी की जरूरत सी बन गई है। इसी के चलते लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार मानो यहाँ रोज के किस्से से हो गए हैं। इस लघु फिल्म का उद्देश्य इन अपराधों को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि इन अपराधों को कम करना है। बोल यार, थोड़ा संभाल के रहना क्योंकि तेरे साथ के दोनों साथी मारे जा सकते हैं। अबे मेरा गांव, मेरा यहाँ कौन क्या उकार सकता है? अबे नहीं भाई, बस मैं तो ऐसे ही समझा रहा हूँ। हेलो भाई, वो आ गया, वो दो लोग हैं। क्या कर रहा वंशु? कुछ नहीं भाई, बस स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा जो साइंस प्रो मैम ने दिया था। चल गुड, कैरी ऑन। अरे सागर यार, अरे सागर तू आ गया? अबे यार, अबे भाई बस तुम अभी तक तो बड़े हो, मिनट वेट करना, जल्दी तैयार हो क्या यार? ऑलरेडी देर हो चुकी है, चलना नहीं है क्या? क्या कर रहे वंशु? अरे वो स्कूल का वो बना रहे प्रोजेक्ट दिया गया था। अच्छा साइंस का है? तो हाँ साइंस का है। प्रोजेक्ट तो तुमने अच्छा बनाया, पर ये देखो तुमने इसका जो क्या बोलते हैं फॉन्ट, ये बड़ा कर दिया है, इसको छोटा कर दिया। हाँ सागर भाई, अरे यार तूने तो डरा दिया यार। और ये कैसे यार? और साइंस भाई कैसे? मस्त भाई, रुद्र का है यार।
अरे यार वो तैयार होने गया, अभी तक तैयार नहीं हुआ। कितना टाइम लगा था, कितने लेट हो गया था, कितने तैयार हो गए बेटा। तुम्हारा यूपी का छोड़ लो और चले भाई लोग। अच्छा भाई आकर क्या भाई रोज मैंने बुला लिया, पता कर ये बंसु का किडनैप किसने किया है। चल ठीक है, मैं पता कर लूंगा, पर करना क्या है? ठोकना है सालों को।
थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि तेरे साथ के दोनों साथ ही मारे जाते। अबे मेरा गांव, मेरा यहाँ कौन क्या कर सकता है? अबे नहीं भाई, बस मैं तुझे भी समझा। हेलो भाई, वो आ गया, वो दो लोग हैं। आ गया सागर, तू आ जा यार, चल दारू पे, चल आ जा, बैठ जा यार। तू बैठ के बस दारू पीता रहे यार, तू तो ऐसे भी बिहेव कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ यार, तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है मुझसे? यार हमने बंदूक के किडनैपरों को मार दिया, तुझे क्या लगता है हमारा बदला पूरा हो गया? पर उन सबका जो बाप है अब भी जिंदा है। क्या बात कर रहा है यार तू? हाँ भाई, अब भी जिंदा है साला, और बड़ी सफाई से हर क्राइम को अंजाम दे रहा है। कल मेरे भाई फिर से एक किडनैपिंग हुई, फिर किसी से उसका भाई छीना गया। भाई ये अपना शहर है, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तू चाहता क्या है? भाई मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो बड़वा मरे और हमारा सिटी क्राइम फ्री बने। रुद्र, अबे क्या हुआ यार, इतना दुखी का है? कुछ नहीं यार, बस बच्चे खेल रहे थे तो वंश किया था। यार तू फिक्र मत कर, पता चल गया है साले का। आ बैठते हैं भाई। यहाँ का जो मेन क्रिमिनल है अब्दुल नाम है साले का, और उन्नाव में जितने भी क्राइम होते हैं सब में साले का हाथ है। उसको अभी तक किसी ने नहीं देखा है, साला अंडरग्राउंड रहता है हमेशा। भाई मेरे हिसाब से अगर उसे मारना है ना, तो उसके सारे धंधों को नुकसान पहुँचाना होगा। हाँ भाई सही कहा, उसके धंधों को नुकसान पहुँचाएंगे तब तो वो बाहर निकलेगा, थोक देंगे सारे। आई थिंक मेरे पास इससे एक बेटर आइडिया है। अब्दुल का एक छोटा भाई भी है, दुबई में रहता है और कल इंडिया वापस आ रहा है। मेरे हिसाब से उठा लेते हैं साले को, अगर उसको ठोका तो अब्दुल अपने आप बाहर आएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, एयरपोर्ट से निकल चुका और अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। अल्लाह हाफिज़ भाई जी। क्या हुआ जनाब? एक्सीडेंट हुआ है आगे, जाओ देखो जाके क्या है। Thank you.
पहले बताया तूने किसको बदल लगाई है? चुप कर ले। मेरे भाई को पता चलेगा ना तो तब तो रोका लगेगा। बोल क्या करना है इसका? ठोक दे साले को। फोन निकाल साले का। निकाल फोन साले का। फोन दे। हेलो। एड़ी से लेकर सर तक का जोर लगा ले साले। तेरे भाई को ठोकने जा रहा हूँ। बचा सकता है तो बचा ले। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे भाई को फोन करके सब कैसा मारा जाओगे? सिम मेरे भाई, आजान टेंशन नहीं लेने का, जिसने भी किया सालों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। तो कुछ भी कर, मुझे उस सालों की लाश चाहिए। ठीक है। पता करो वो लंगर कौन है, कहां उठते हैं, कहां बैठते हैं, कहां आते हैं, कहां जाते हैं, मुझे सारी डिटेल चाहिए। जी भाई। भाई और कुछ? भाई कुछ और कुछ। पता चल गया है, क्या करना है उसका? अबे एकदम लपड़ झंडी से क्या तू? मैं एक लौंडे का क्या करूंगा, मुझे तो वो लौंडा चाहिए जिसके भाई को हम लोगों ने ठोका था। हाँ जल्दी कर और मुझे पता लगा के दे।
ठीक है। हाँ बोल। एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हुआ यार? हम सोचते थे कि सत्तू के भाई को टोकेंगे तो साला हमें टोकने के लिए पैसे बाहर निकले, पर यहाँ तो साला से उल्टा ही हो रहा है। उसने अपना बड़वा हमारे पीछे लगा दिया। वो साला दो दिन से कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ है। चल ठीक है, मोहल्ले में मिलाकर मिलता हूँ। मिल गए, क्या करना साल होगा? अबे तो फपका कर रहा है, उनका पीछा कर, मैं लौंडे लेकर पहुंच रहा हूँ वहां पर। साले खंडार पर हैं, आप लौंडे लेकर जल्दी पहुंचो। कहाँ गए वो साले लौंडे सब? सब खंडार में। चलो थोड़ा बैठो। ए तू आ सब। सारे लौंडों की तो बाइक यहीं खड़ी हुई है। भाई बाइक इधर ही खड़ी है। वो निकियो पिंटू कहाँ है? देखो जाके, देखो तुरंत देखो। लौंडे
सनी, अब ये जिम्मेदारी तेरी है, पता लगा कौन है साले। जी भाई जान। अस्सलामुअलैकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। भाई लौंडे का पता चल गया है। कौन है साले? भाई लौंडे का नाम रुद्र है और उसने आज तक जितने भी कांड किए हैं 3 लौंडे के साथ मिलकर किए हैं। भाई क्या करना उन लौंडों का? भाई वो उसमें आ रहा है साल। कहाँ है तेरे साथ के सारे लौंडे? बुलाओ उन सालों को वरना तुझे यही ठोक दूंगा। साले, तुझे मारना है तो मार दे साले। मैं नहीं बताऊंगा किसी के बारे में। तू क्या सोचता है साले? तू मुझे मार देगा तो साले तू बच जाएगा। तू साले मरेगा, मरेगा साले, मरेगा साले। पर तू भी नहीं बचेगा। तू क्या सोचता है? तू मुझे मार रहा है।
तुझे मारने के लिए तेरे भाई को रोका ताकि तू बाहर आ सके। तू मरेगा, अभी जिंदा है मेरा भाई, मेरी मौत का बदला लेगा वो। भाई कहाँ है यार तू? भाई नहीं, तेरा पाप बोलो साले। इस खंडहर से तेरा पुराना रिश्ता है ना, पहले तेरा भाई अब तेरा दोस्त। लाश पड़ी है, उठा ले आकर। भाई उस साले को तो ठोक दिया है, पर उसके उन तीन दोस्तों को क्या करना है? उन सालों का भी मैंने इंतजाम कर दिया।
सारे लौंडे बुला सालों को वरना तुझे यहीं ठोक दूंगा। साला चल क्या